हाय, कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक हम लोग बहुत दिन बाद बातें कर रहे हैं और काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो शूट कर पा रहा हूँ। काफ़ी दिन हो गए, मैंने सोचा कि ऐसे तो लोगों से दूर हो जाएंगे। और एक सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोगों के करीब रहते हैं। तो हरे कृष्णा टू ऑल। एक गंभीर विषय पर चर्चा करने का मन हुआ और महसूस किया कि इस पर बात होना चाहिए। तो मैंने सोचा और मैंने देखा कि क्यों ना इस पर बात की जाए। तो फेस्टिवल, त्यौहार हमारी ज़िंदगी में क्या मायने रखते हैं? क्योंकि अभी रिसेंटली राखी, आज 13 तारीख के 2 दिन पहले राखी गई है, और राखी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? क्या ये सिर्फ एक बहनों का किसी के घर पर आना, भाई के घर पर आना, अपने मायके आना, पिताजी घर पे आना, ये सब क्या है? एक बहन के लिए राखी का त्यौहार बहुत मायने रखता है। और इन दिनों तो मैंने काफ़ी महसूस किया, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि राखी पे आज कल वो एंजॉय नहीं रह गया है जो कि पहले लगता था हमें। पहले पूरे घर की बुआ, सिस्टर्स, बुआ की बच्चियाँ, हमारी सारी बहनें, चाचा की, मामा की, बुआ की, सबकी लड़कियाँ, बच्चे, इवन लड़कियाँ ही नहीं, बच्चे भी कहाँ आते थे? नानी के घर आते थे कि नानी के घर आना है। और राखी का त्यौहार मुझे ऐसा लगता है कि ये केवल एक धागे से बना हुआ रिश्ता नहीं है। क्या आपको लगता है कोई बहन सिर्फ एक साड़ी लेने या कोई गिफ्ट लेने आती होगी? मुझे तो नहीं लगता। एक बहन एक राखी के त्यौहार पर अपने ससुराल से मायके इसलिए आती है ताकि साल भर में जो प्यार, जो इसने हम लोग उनको दे नहीं पाते, वो यहाँ के उस प्यार और स्नेह को देख पाती हैं, महसूस कर पाती हैं। क्योंकि जब एक धागा इस कलाई पे बनता है तो एक अलग ही अपनापन महसूस होता है जब बहनें आती हैं। मेरे ख्याल से तो बहनें आती हैं, और मैंने एक चीज़ देखी है कि कुछ बहनें तो काफ़ी तकलीफ़ें देखकर, काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करके अपने मायके पहुंचती हैं। कोई 2 बसें चेंज करके आ रही हैं, कोई बाइक से आ रही हैं, कोई 1 बस चेंज करके आ रही है, कोई ट्रेन से आ रही है, कोई बहुत दूर से आ रही है, लेकिन वो ये नहीं देखती कि मुझे तकलीफ़ कितनी है। वो सिर्फ एक चीज़ जानती है कि जब मैं अपने घर पहुंचूंगी, जब भाई को, पिताजी को, माता जी को देखूंगी, तो एक आनंद का अलग ही अनुभव होगा। और वो इस अनुभव को महसूस करने के लिए उस धागों का, कच्चे धागों का एक बंधन लेके आती है। और वो बंधन उसको इतना प्यारा होता है कि उसकी तुलना आई थिंक किसी खुशी से करना या किसी ऐसे कारण की वजह से आना, मुझे नहीं लगता कि बहन किसी कारण की वजह से आती है। क्या एक साड़ी, साल भर में एक साड़ी, साल भर में एक गिफ्ट क्या किसी बहन को इतना आकर्षित कर सकता है कि वो इतनी तकलीफें सहन करके आती है? सच बताऊँ, मेरा कई बार हम सक्षम नहीं होते या कई बार टाइम नहीं होता, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें इस त्यौहार के लिए, राखी के, विशेष रूप से राखी के त्यौहार के लिए, हमें बहनों को उनके घर से, हम चाहे कितनी तकलीफ़ सहन करें, उनके घर से लेकर हमारे घर तक लाना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि आज समय की कमी के कारण और बहुत सारी चीज़ों के कारण, लोग अपने अपने जॉब्स के कारण
अपने अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा वर्क लोड होने के कारण वो लोग कहते थे कि हाँ तुम आ जाना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इन कामों की वजह से बहुत ज़्यादा उलझते जा रहे हैं, और इन इन उलझनों में हम इतने उलझ गए हैं कि हम लोग वास्तव में रिश्ते, नाते, त्यौहार सब कॉम्पैक्ट करते जा रहे हैं। मतलब हम लोग सब एक कहते हैं कि जो साल भर में एक त्यौहार आता है, हम लोग 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 2 दिन, इवन हफ्ते भर मनाते थे, और बच्चे एक्साइट रहते हैं कि आज हमें मामा घर जाने को मिलेगा, आज हमें नानी घर जाने को मिलेगा, वो आज सिर्फ कुछ घंटों में सिमट के रह गया है। राखी का त्यौहार है, सबको अपना अपना काम है, उस दिन छुट्टी सरकार रखती है नहीं रखती है, आजकल तो बहुत सोचना पड़ जाता है, तो केवल कुछ घंटों का रह गया है, कुछ दिनों से होकर कुछ घंटों का रह गया है, और सब लोग आते हैं, एक आ गए, सब लोग अपना काम खत्म करके 8 बजे आ गए, जी गलत है। राखी का त्यौहार उसी पुराने समय जैसा मनना चाहिए जैसे कि वो मनता था, भाई जाए अपने बहनों को, अपने कजन्स को, सबको लेकर नानी के घर आए, मायके लेकर आए उसकी, और साथ सम्मान लेकर आए, और फिर वो राखी का त्यौहार मनाए, और वास्तव में जब उनके बच्चे आते हैं, हमारे बच्चे मिलते हैं, और जब वो मस्ती करते हैं, दौड़ते हैं एक दूसरे के पीछे, एक दूसरे के साथ वो इतने सारे खेल खेलते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो एक अलग ही आनंद आता है, क्योंकि वो किलकारी है, वो एक शोर, जो बच्चों का शोर, वो बहुत सुकून देता है, और हमें लगता है कि ये लोग मिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है, वो आज कहीं खो गया है। तो इस त्यौहार को, राखी के त्यौहार को, विशेष रूप से राखी के त्यौहार, बहुत सारे फेस्टिवल, बहुत सारे त्यौहार आते हैं हमारी लाइफ में, लेकिन विशेष रूप से राखी के त्यौहार को हमको स्पेशली बहनों के लिए मनाना चाहिए। इस बार भी कोशिश करूंगा कि मैं कह रहा हूं लेकिन इस चीज़ को अमल कर सकूं, कोई कुछ सा सम्मान ला सकूं। मेरी एक बड़ी बहन थी, जब तक मैं सक्षम हुआ मैं लाइफ में सिर्फ उनको एक साड़ी दे पाया, और जब तक मैं अपने पैरों पे खड़े हो पाया, उनको कुछ देने के काबिल बन पाया, इवन मैंने अपने लिए अपने कुटुंब की पहली कार खरीदी, उस कार में काश मैं उन्हें बिठा पाता, वो खुशी उनको दे पाता, लेकिन उसके पहले ही वो जा चुकी थी। तो आज हमें उनकी याद आती है, मेरी बड़ी दीदी याद आती है मुझे, और आज छोटी सिस्टर है, वो उसको भी 2 बसें चेंज करनी पड़ती है, लेकिन वो आती है, मैं जानता हूँ कि वो कुछ भी करती है लेकिन वो आती ज़रूर है। आज गाड़ी है उसके पास में, लेकिन आज भी वो अपनी जो एक बेसिक नीड, जो बेसिक चीज़ है उसकी, जो उसके बाकायदा कार है उसके घर में, और वो आ सकती है, नो डाउट कि वो कार से नहीं आ सकती, लेकिन आज भी वो अपने साधनों को, जो सुख सुविधा है उसके पास है, उसका दुरुपयोग कभी नहीं करती, वो वैसे ही आती है जैसे उसको आना चाहिए। ये हमें दिखाता है कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, हमको ज़मीन से जुड़े रहना हमेशा ज़रूरी है, अगर हम ज़मीन से जुड़े रहेंगे तो हमारे रिश्ते नाते ये सब चलते रहेंगे, नहीं तो कई बार पैसा आने के बाद में रिश्ते कहीं खो जाते हैं, ऐसे एक रिश्ता खो गया है जो कि कहीं गायब हो गया, कहीं चला गया है, और वही एक दिक्कत, ये हमारा है, हमने ऐसा किया है, हमने वैसा किया है, तुमने ये नहीं किया है, तुम ऐसा नहीं कर पाए, हमने तुमसे जो उम्मीद थी वो नहीं थी, वो एक मनमुटाव अपने आप ही पता नहीं कहाँ से आया, और शादी के बाद ये मनमुटाव क्यों आता है? शादी के बाद बहनों के आने पर या भाइयों के बीच में फ्रैक्शन क्यों आ जाता है? शादी के बाद ही क्यों आता है? क्यों ऐसा होता है कि शादी के पहले आज तक एक भी केस हमें ऐसा देखने को नहीं मिला जिसमें कि ये हो कि शादी के पहले भाई अलग हो गया हो, उनके उसमें बंटवारा हो गया, उसमें उनके उसमें सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा क्यों होता है? मैं किसी भी एक व्यक्ति को दोष नहीं देता हूँ, मैं नहीं मानता कि किसी एक
बहू की बेटी की गलती है, सबकी गलती है, सबकी मिस अंडरस्टैंडिंग है। तो क्यों ऐसा नहीं होता कि हम लोग मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें? क्यों हमारे घर वाले, क्यों हमारे रिश्तेदार उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कभी कदम आगे नहीं बढ़ाते कि तो प्रॉब्लम क्या है? और वास्तव में जो लोग ऐसा करते हैं कि वो लोग अलग हो गए, भूल गए, नंबर ब्लॉक कर दिया हमने, सब कुछ कर दिया, उन लोगों कभी पुराने रिश्ते या पुरानी यादें कभी आती नहीं होंगी उनको, कभी बचपन की यादें उन्हें आती नहीं होंगी कि हमारे छोटे भाई बहन हमसे मिलने आते थे, हम जब वो हमारे घर आते थे हम झूम जाते थे कि यार अरे बड़े भैया आज हमारे घर आए हैं, ऐसे याद नहीं होता। ऐसा केवल एक कहानी है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा है कि लोग मिसअंडरस्टैंडिंग सही करना ही नहीं चाहते। वो क्यों एक सिंगल हम दो, हमारे दो और हम लोग बस अकेले रहें और हम लोग बस इंजॉय करें, जो हमारे मन को चाहते हैं, जो हमको, हम जिनको चाहते हैं हम उन्हीं से रिश्ते रखें केवल, क्यों ऐसा होता है? गलत है ऐसा। आज भी वही माहौल हम चाहते हैं, वही दिन हम चाहते हैं कि आज भी सब भुआ फुपा जी बहने भाई सब मिलकर राखी के त्यौहार को मनाएं, उसको एंजॉय करें, खूब एंजॉय करें, खूब मिठाइयाँ बांटें, क्योंकि राखी बांधने बहने केवल गिफ्ट लेने नहीं आती, बहनें वास्तव में बहुत प्यारी होती हैं। जो कहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, वो कभी भी अपने रिश्ते को कभी भूलती नहीं। और जब तक किसी घर में एक बेटी का बाप जिंदा होता है, उसका हक होता है, वो अपने हक से आती कि मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। इवन राखी पे वो भाइयों को राखी बांधने आती, लेकिन वो क्या किया था कि मैं अपने पापा से मिलूंगी, क्योंकि एक बेटी का पापा के प्रति लगाव अलग ही होता है। तो जब बहू हो, नंद हो, भैया भाभी हो, ये मन मुटाव मिटाना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए कि ज़िंदगी कितने सालों की है। कुछ सालों बाद आज हम इतने अच्छे तरीके से बात कर पा रहे हैं, हमारे हाथ पैर चल पा रहे हैं, हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, और कुछ समय शायद हम इस तरह से सक्षम ना हो। अभी रिसेंट की बात है, राजू श्रीवास्तव को 3 दिन पहले हार्ट अटैक हुआ, आज वो वेंटिलेटर पे है। आज अगर कोई ये कहे, जिससे भी राजू श्रीवास्तव मन मुटा होगा, अरे यार मैंने ऐसा कहा था, ऐसे कैसे हो गया, किसी ने उसके लिए अच्छा कहा हो, किसी ने बद्दुआ दी हो, जिसने बद्दुआ दी हो क्या उसके मन में ये नहीं आएगा, अरे ऐसा हो गया, ऐसा कैसे हो गया? आज वो इंसान चला जाए, अगर कोई भी इंसान चला जाएगा, उसके जाने के बाद अगर आपने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक कर भी ली, तो उसका क्या मतलब है? हम जिंदा रहकर अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सही क्यों नहीं कर पाते? हम क्यों उन मनमुटाव को भुला नहीं पाते? हम क्यों ऐसा करते हैं? मैं आज भी उम्मीद करता हूँ कि सब फिर से एक हो, एक घर में राखी मनाएं, एक घर में सब आए। और बहनें कभी नहीं कहती कि हमें गिफ्ट दो, बहनें कहती कि आओ मिलो, प्यार से खाए पिए, बच्चे साथ में झूमे, राखी बांधे, मिठाइयाँ खाएं, मिठाइयाँ बांटें, बस इतना ही। राखी एक परिवारों का मिलन है, जो कई बार अपने अपने कामों के व्यस्तता के रहते मिल नहीं पाते, लेकिन राखी एक बहाना है उन रिश्तों को करीब लाने का, उन रिश्तों को आपस में जुड़ने का, उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आपस में ख़त्म करने का। ये एक त्यौहार है जिससे हम मिलकर फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं, फिर से हम मिलकर एक नई लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, एक नए रास्तों पर चल सकते हैं। और आप सबसे एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने ज़िंदगी में समय रहते इन मन मुटावों को मिटा लीजिए, क्योंकि जब समय आपके साथ है तब तक आपका समय और आपके रिश्ते ठीक हो सकते हैं, लेकिन जब समय निकल जाएगा तो आज आप कितनी पछतावा कर लें, कितनी कोशिश कर लें कि काश हम उस चीज़ को मिटा दें, फिर वो चीज़ कभी मिटती नहीं, वो कभी लौट के नहीं आ सकती। इसलिए समय रहते अपने रिश्तों को, अपने भाई बहनों को, अपने
भैया भाभी को, अपने सारे रिलेशंस को, मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करते हुए उन रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करें। तो राखी का त्यौहार आप सबको मुबारक हो। ये एक रिश्तों का, एक परिवारों का, बहनों का, भाइयों का मिलने का एक बहाना है। नहीं तो धागा क्या है? 2 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 1,000 का, 500 रुपए का, 20,000 का, कितने का धागा होता है? और धागे की अहमियत उन रिश्तों को करीब लाने की है। उन धागों की अहमियत उन सारे परिवार को एकजुट करने की है। उन धागों की अहमियत उन सभी रिश्तों से बढ़कर है जो कहीं खो गए। उन धागों की कीमत उन सबको मिलाने की है। तो आज ज़रूरत है जो बिखर गए हैं रिश्ते, वापस से अपनी जगह पे पहुँचें और वापस से अपनी अहमियत को ज़िंदा रखें। तो इन्हीं कामनाओं के साथ कि वो रिश्ते फिर से एक होंगे, वो चीज़, वो पल, वो समय फिर से लौटें और वो खुशियाँ हर एक की ज़िंदगी में फिर से आएं। जब कभी माँ बाप होते थे, जब कभी माँ बाप तो रहते थे, तो वो खुशियाँ चारों तरफ बिखरे रहती थी। आज वो हमारे बीच नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग अलग अलग रहे। हम चाहे अलग अलग रहें, लेकिन एक बार तो मिलने की कोशिश करें। त्योहारों पे मिल जाएं, लेकिन मिलने की कोशिश करें। ये त्यौहार हमें बुला रहे हैं, ये त्यौहार हमें सिखा रहे हैं कि हम लोग कहीं अपने कामों के कारण, हम लोग अपनी व्यवस्था, हम लोग अपनी व्यस्तता के कारण इन रिश्तों को खोते जा रहे हैं, उस समय को खोते जा रहे हैं। लेकिन ये त्यौहार हमें उन रिश्तों को करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन त्यौहारों को उसी तरह मनाइए और अपने बीच के मन मुटाव को मिटाइए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे और एक नई उम्मीद के साथ कि फिर से वो रिश्ते खिल उठेंगे। थैंक यू सो मच।